श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, बहुत समझना ध्यान से, क्योंकि यह बड़ी गंभीर कथा है। भगवान की प्राप्ति जीव को तब होती है जब उसके अंदर ना पाप रहे ना पुण्य रहे, पाप और पुण्यों से रहित हो जाए। आप कहेंगे पुण्य क्यों ना रहे, पुण्य तो जरूरी है। बोले पुण्य भी रहेंगे तो हमें स्वर्ग आदि लोक भोगने को जाना पड़ेगा, जैसे पाप भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ता है, वैसे ही पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाना पड़ता है। इनसे मुक्त कब हुआ जाएगा, जब ना जीवन में पाप रहे ना पुण्य रहे, श्री कृष्ण के हो जाए। तो श्री कृष्ण के मिलन से, उनके अंग संग से, उनके साथ नाचने से, हास विलास से गोपियों के पुण्य क्षीण हो गए, और श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने से, उनके ब्रह में रोने से श्री गोपियों के सारे पाप क्षीण हो गए। अब वो पाप और पुण्य से रहित श्री कृष्ण को बनाना चाहते हैं, शुभ और अशुभ दोनों जल के भस्म हो जाएं, उनके अशुभ जल जाएं। इसलिए श्याम सुंदर ने उनके अंदर एक अग्नि जलाई। कौन सी अग्नि? ब्रह की अग्नि। श्री श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां इतनी व्याकुल हो गई, वन में किससे पूछे, तो पेड़ों से पता पूछने लगी, बरगद से, पीपल से, पर कोई उत्तर नहीं मिला। एक बोली कि अरे ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको हमारी क्या परवाह, ये पुरुष जाति के वृक्ष हैं, तो छोटी छोटी वनस्पतियों से, स्त्री जाति की वनस्पतियों से, तुलसी जी से, मालती से, जूही से, चंपा से पता पूछने लगी। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वाली कुलैर्विभ्रत दृष्टिते इति प्रयोच्यता। अरे तुलसी महारानी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा, यहां विचार करिएगा कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां पेड़ पौधों से पता पूछ रही हैं, क्यों? एक कारण तो यह है कि प्रेमी इतना ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि उसको यह होश नहीं रहता कि कौन उत्तर दे सकता है और कौन उत्तर नहीं दे सकता। और दूसरा कारण यह है कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो साधारण नहीं है, वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो सब ऋषि मुनि महात्मा हैं। जैसे राम जी जो पता पूछ रहे थे तो किससे पूछ रहे थे, जानकी जी जब हरण हो गया तो राम जी ने किससे पता पूछा, खग मृग से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। तो राम जी पशु पक्षियों से पता पूछ रहे थे, क्यों? इसलिए पूछ रहे थे कि पशु पक्षी जो हैं वो साधारण पशु पक्षी नहीं थे। जब राम जी चित्रकूट पे आके विराजे, उसके बाद पंचवटी में जाके विराजे, तो खागे अम्रागे तानु धर देवा आय करें रघुनायक सेवा। देवता ही खग मृग पशु पक्षियों का रूप बना बना करके और रघुनाथ जी की सेवा करने के लिए पंचवटी पे आ गए। तो राम जी जब उस माया मृग के पीछे जा रहे हैं, तो राम जी ने जानकी जी की जिम्मेवारी किसको सौंपी? लक्ष्मण जी को तो सौंपी, लेकिन लक्ष्मण जी के अतिरिक्त बन दिस देव सौंप तब सीता। जो वहां रहने वाले खग मृग है, खग मृग नहीं है वो, उनके रूप में देवता है। तो जो देवता पशु पक्षियों का रूप बना के रह रहे हैं, उनसे कहा कि तुम जानकी का ध्यान रखना। और जानकी जी जब कुटिया में नहीं मिली तो रो रो कर खग मृग से पूछ रहे हैं, खग मृग से नहीं, खग मृगों के रूप में रहने वाले देवताओं से पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे, जानकी कहां चली गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता रघुने, तुम देखी सीता रघुने। पशु पक्षी के रूप में, खग मृग के रूप में देवता है, उनसे राम जी पूछ रहे हैं। तो जैसे राम जी पूछ तो रहे हैं पशु पक्षियों से पर भाव है देवताओं से, उसी प्रकार ब्रज गोपियां जो है पूछ तो रही हैं पेड़ पौधों से, लेकिन पेड़ पौधों से नहीं पूछ रही, किससे पूछ रही है,
वृक्षों के लताओं के रूप में रहने वाले महापुरुषों से, संतों से, भक्तों से पूछ रही हैं। दृष्टो वकश्चिदस्वस्थ प्रक्षदक्रोतनो मना नंदसो निर्गतो रत्वा प्रेमहासावलोकने। बड़ी सुंदर मधुर मुस्कान है हमारे वह प्राण वल्लभ, हमारे वह प्रियतम, प्राण धन जीवन धन श्री कृष्ण कहां चले गए? हे अस्वस्थ, हे बरगद, हे पीपल, क्या तुम जानते हो? तुलसी से पूछने लगी, आप तो कृष्ण प्रिया हो। गोविंद चरण सहत्वालि कुले रविप्रद दृष्टते इति प्रयोच्युतः। वह अच्युत कहां चले गए? अच्छा, पवन जी, भगवान का नाम यहां अच्युत लिया गोपियों ने, क्यों लिया? अच्युत का मतलब होता है जो अपनी बात से अथवा अपने वचन से कभी मुकरे ना। च्युत होना माने गिरना, अच्युत माने जो कभी अपने स्थान से नीचे ना आए। तो मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि ये कैसी शरणागत वत्सलता है। एक और तो कहते हैं कि जो शरण में आ जाता है मैं उसको त्यागता नहीं हूं, और समुद्र को साक्षी बनाकर इन्होंने शरणागतों की रक्षा का व्रत ले रखा है विभीषण शरणागति में। और आज हम अपना सर्वस्व त्याग करके, यहां तक कि लोक लज्जा का त्याग करके, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्याग है लोक लज्जा का कि लोग क्या कहेंगे, पर हमने अपने घर परिवार की चिंता तो नहीं ही की, लोक लज्जा भी त्याग दी और सब कुछ छोड़कर कृष्ण की शरण में आए, और आज हमें वो वन में रोता हुआ छोड़ के चले गए। क्या उनके लिए ये उचित है? अच्युत कहां गए? जब उत्तर नहीं मिला तो गोपियां रोती हुई यमुना जी के किनारे पहुंची और यमुना जी से प्रार्थना की। हमें लगता है यमुना जी की कृपा हो गई कि उनको रास्ता मिल गया। जैसे यमुना जी का बंधन करके गोपियां लौटी तो क्या देखती हैं कि यमुना के पुलिन पर कोमल बालू में श्याम सुंदर के चरण चिन्ह बने हुए हैं। श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखकर गोपियां जान गई कि हमारे प्रियतम इधर गए हैं। लेकिन अकेले श्याम सुंदर के चरण चिन्ह नहीं है, साथ में किसी गोपी के चरण चिन्ह भी हैं। कौन होगी वो? या नाम स्पष्ट नहीं लिया है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्यो विहाय गोविंदा प्रीतोयामुनयद्रह। अन्य सभी को छोड़ करके जिस गोपी का आराधन करके श्री कृष्ण ले गए हैं वह कोई और नहीं है, वो हमारी स्वामिनी जो श्री राधा रानी है, उन्हीं को लेके गए हैं। एक गोपी बोली, देखो देखो, यहां श्याम सुंदर के पैरों के जो निशान हैं वो ज्यादा धसे हुए हैं। क्यों? बोले लगता है उस गोपी को उठा के कंधे पे बिठा लिया होगा, तो भार के कारण चरण ज्यादा धस गए। एक गोपी कहती है, देखो देखो, यहां श्याम सुंदर की एड़ियों के निशान नहीं केवल पंजों के निशान दिख रहे हैं। क्यों? बोले उस गोपी का श्रृंगार करने पुष्प चयन करना होगा, तो ऊंची ऊंची लताओं में पुष्प लगे हैं तो उनको तोड़ने के लिए पंजों के बल खड़े होकर उचक के तोड़ रहे होंगे। ऐसी विचार करते हुए गोपियां आगे बढ़ रही हैं और श्री जी के चरण चिन्हों को देख करके तो गोपियां प्रसन्न हो गईं, क्योंकि श्यामा के चरण चिन्ह जब मिल जाए तो फिर श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं
तकदीर बदल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों के गज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। आचार्य जी लोग सभी पीछे बैठे हैं, हम चाहेंगे ही मंच पर आके विराजे तो मंच की शोभा बढ़ेगी और हमें भी कुछ बल मिलेगा। यहाँ मंच को सुशोभित करें, यहाँ पधारे। सुनते हैं तेरे सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कल खिल जाए। सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की रज दो तकदीर बदल जाए। श्री जी के चरण चिन्हों को देखकर आगे बढ़ी और एक जगह राधा रानी गोपियों को मिल गई। श्याम सुंदर राधा जी को भी छोड़ के आगे बढ़ गए। अब राधा जी को प्राप्त करके गोपियों को ऐसा अवलंब मिल गया कि अब तो ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। अच्छा, इस कथा से एक बात समझ लेनी चाहिए कि अभी तक राधा जी की कृपा के बिना श्री कृष्ण गोपियों को मिले तो रास में छोड़ के चले गए, लेकिन आगे जब मिले तो राधा जी की कृपा से मिले तो फिर कभी छोड़ा नहीं। आप कहेंगे कि फिर वो मथुरा चले गए। देखो, ये बहिरंग का वियोग और अंतरंग का संयोग है, गोपियों के तो नित्य श्री कृष्ण साथ है। इसका मतलब है बिना गुरु कृपा के भगवान मिल भी जाए तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे तो भगवान कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब की बार राधा जी का अनुगत प्राप्त किया है और राधा जी के अनुगत में
महानाथ रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभोज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शे हा नाथ हा रमण हा पृष्ट कहकर गोपियां पुकारने लगी और राधा जी के अनुमोदन पर गोपियों ने एक बड़ा प्यारा गीत गाया। कौन सा गीत गाया है? गोपी गीत, मधुर गोपी गीत गोपियों ने गाया है। हम लोग भी इस गोपी गीत के माध्यम से श्याम सुंदर से प्रार्थना करें कि हम भी आपसे बिछड़ गए हैं, आप हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। देखो गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आपके अवतरित होने से इस ब्रज की शोभा और अधिक बढ़ गई है, और अधिक बढ़ गई है से अभिप्राय है कि वृंदावन तो पहले भी बड़ा सुंदर था, वृंदावन हर समय सुशोभित है, सुहावना है, पर आपके प्राकट्य से, आपके आने से इस ब्रज की शोभा और अधिक बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई? बोले बैकुंठ से भी ज्यादा, क्योंकि बैकुंठ में आप कभी नंगे पैर नहीं चलते, वहां तो आपको कभी चलना हो तो एक और गणोर जी खड़े हैं, एक और दारूक सारथी रथ लेके खड़े हैं, एक और नौका विहार के लिए नौकाएं लगी हैं, और पैदल 10-5 कदम चले भी तो जड़ाऊ जूतियां लेकर सेवक पार्षद खड़े हैं। तो बैकुंठ की भूमि को आपका निरावरण चरण नहीं मिलता, लेकिन यह वृंदावन की भूमि, यहां आप गैयों के पीछे नंगे पैर दौड़ते हैं, और केवल दौड़ते ही नहीं है बल्कि इस ब्रज की रज में आप लोट लगाते हैं। कलम सुन रहे थे ना, यशोदा जी से कह रहे हैं कि चंद्र खिलौना नहीं देगी तो मैं पृथ्वी पर लोट जाऊंगा, तो केवल चलते हैं सो नहीं बल्कि इसमें लोट लगाते हैं, और लोट लगाते हैं इतना भी नहीं, उठा उठा के इस रज को मुख में धारण करके इसको प्राप्त करते हैं, इसको पाते हैं। तो कैसा सौंदर्य ब्रज की रज का है, कितनी महिमा इस ब्रज रज की हो गई। बैकुंठ को यह सौभाग्य कहां प्राप्त है? बैकुंठ में आप स्वामी बन के बैठते हैं, लेकिन वृंदावन में आप सेवक बने। केवल गायों की सेवा नहीं, केवल नंद यशोदा की सेवा नहीं, गोपी कहती है मेरी मटकी भारी है उठाई नहीं जाती तो उसकी मटकी उठवाने लगते हैं, कोई कहती है मेरी गोबर की हेल जरा भारी हो रही है हाथ लगाओ तो ये उसको गोबर की हेल उड़वाते हैं, कोई गोपी कहती है अरे कन्हैया लाला मेरी पीठिका तो उठा दे तो दौड़ के उसकी पीठिका उठाने चले जाते हैं। गोपियों की, ग्वालों की, गैयों की, सबकी सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो वैकुंठ में तो आप सेवा करवाते हैं, स्वामी बन के बैठे हैं, लेकिन वृंदावन में आप सेवा करने के लिए आए हैं। हे श्याम सुंदर, आप जब सेवा करते हैं तो आपकी जो स्वामिनी है, जो वैकुंठ की अधीश्वरी श्री इंदिरा जी है, लक्ष्मी जी है, वो वहां महारानी बन के विराजती हैं, लेकिन वृंदावन में यहां तो सेवा करने के लिए वह उपस्थित रहती हैं। जयति तेरिका जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रिया सास
दक्षता देशुता करिए मेरी ओर देखिए, हमारी ओर देखिए तो सही। हे नंदनंदन दृश्यताम दिक्षु, बड़े सुंदर शब्द कह रही है गोपियां, आप जरा हमारी ओर देखिए तो सही। आपकी शरणागता, आपके लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाली आपकी गोपियां यहां बन बन में भटक रही हैं। आपका जो दयालु नाम है अथवा दीनबंधु नाम है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप प्रकट हो जाइए और हमारे साथ में आ जाइए। शरद दास साधु जात सरस जो शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को देखिए, यहां सब कुछ प्रसन्न है हमें छोड़कर। वन में सुंदर पुष्प लदे हुए हैं, वह सब खिल रहे हैं, लताएं वृक्षों से लपट रही हैं, पक्षी आपस में युगल विहार कर रहे हैं और मानो ये हमें सब चढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे प्रियतम कैसे हैं जो तुम्हें छोड़ गए चले गए। इसलिए हे नाथ सुरत नाथ होते आप हमारा ध्यान करिए, हे नाथ आप प्रकट हो जाइए। और हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, हम आपसे कुछ चाहती नहीं है, ऐसा मत समझना कि हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। सुरत नाथ ते असल कदासिका फंसा करके फिर उसको तड़फाना, क्या यह उसकी मृत्यु नहीं है? और आपको इस तरह से हमें तड़फा तड़फा के मारना ही था तो आपने उस समय हमें इंद्र की वर्षा से, वन में लगने वाली अग्नि से अथवा तरह तरह के ब्रज के उपद्रवों से क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। विष जला वल्लभ श्री कृष्ण, आपने हमें समस्त भयों से रक्षा की, सब जगह हमें बचाया और आज अपने भय में सता के मार रहे हो, क्या यह हमारी हत्या नहीं है? नेह किम बाधा, ऐसा मत करिए। और ऐसा नहीं है कि हम आपके स्वरूप को नहीं जानती कि आप कौन हैं। देखो गोपियों का प्रेम केवल यशोदा नंदन में नहीं है, वो जानती हैं कि ये कौन है। इसका मतलब यह है कि यह मत समझ लेना कि यशोदा के सुंदर से श्याम सुंदर लाला पर गोपियां रीझ गईं। नहीं, वो कृष्ण की वास्तविकता को जानती है, यहां कह रही है
तुम कौन हो? नखलो गो प्रकट हुए हैं। आप समस्त देहधारियों में निवास करने वाले परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हैं। बड़ा अद्भुत गोपी गीत है। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, देखो हमसे भागते भागते आप वन में ज्यादा दूर जाएंगे तो आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, इसलिए लौट आइए। और गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप अपने चरण हमारे वक्ष स्थल पर रख दीजिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले हमारे हृदय में काम आदि विकार हैं, आपके चरणों में अंकुश वज्र आदि के चिन्ह हैं, और वह अंकुश वज्र आच्छादित चरण जब हमारे हृदय पर रखे जाएंगे तो हमारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्विकार हो जाएगा। हे प्रभो, हमने आपकी कथा सुनी, कथामृत के कारण जीवन अभी तक चल रहा है, नहीं तो कब के प्राण चले जाते। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्तिते भूरिदा जनः। बड़ा अद्भुत गोपी गीत गोपियों ने गाया है, लेकिन गाते गाते थक गई। देखो पूरा गीत गाए तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि 19 श्लोकों का गीत है और ऐसे अद्भुत भाव हैं कि एक एक श्लोक में ही खोए रहो। अभी हमने कुछ दिन पहले केवल इन रास के 5 अध्यायों पर ही कथा की थी। आप लोग कभी विस्तृत गोपी गीत आदि सुनना चाहे तो YouTube पर जाकर के हमारा नाम डाल के गोपी गीत अथवा महारास कथा रास पंचाध्याय इस तरह से सुनेंगे तो पूरी सविस्तार कथा आपको मिल जाएगी। और भी अनेक महापुरुषों ने गाई है तो वहां से सुनिए। अभी हम लोगों को तो आगे की कथा में चलना है, इसलिए गोपी गीत के भाव को यहीं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने, अभी भी श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो गोपियों ने रोना प्रारंभ कर दिया। इति गोप्या प्रगायन्तो प्रणपत्यांसि चित्रधार रुरुदोः सस्वरं राजन दर्शन लारसा। देखो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं पर अपने भक्तों का रोना सहन नहीं कर सकते। और एक बात आपसे विशेष कह दें कि श्री कृष्ण रुलाते भी हैं, उनके भक्तों को रोना पड़ता है कई बार। मीरा खूब रोई। भक्त यदि रोता भी है तो भगवान उसके एक एक आंसू का मोल चुकाते हैं साहब, इसलिए चिंता मत करना कि मेरा कन्हैया रोला रहा है। वो रुलाएगा भी तो एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। गोपियां रोने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों का रोदन सुनकर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तासा मा भे चारे श्यमान मुकांबुजा पीतांबर धर स्त्र गभी साक्षात मनमथ मनथा। कामदेव के मन का मथन करने वाले भगवान श्याम सुंदर महारास में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। अब रास में प्रकट हो गए, गोपियों ने घेर लिया। कहां चले गए थे? बोले मैं कहां गया, मैं तो तुम लोगों के बीच में ही था, मैंने भी एक चुनरी ओढ़ ली थी। तुम लोग सब जगह ढूंढ रही थी पर अपने बीच में मुझे नहीं ढूंढा। और रास बिहारी भगवान गोपियों के साथ अब महारास करने के लिए तैयार हैं तो भोले बाबा से रहा नहीं गया, भगवान भोले बाबा भी दौड़कर आए। सखियों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते।
अब भोले बाबा को रोक दिया, भोले बाबा सोचे कि क्या करें, बोले जाना है तो गोपी बन जाओ। तो भोले बाबा पार्वती जी के पास गए, भोले बढ़िया सी कोई साड़ी वाड़ी रखी हो तो दो, जरा हम भी गोपी बने और देखो हम लोग भी महारास में चलना है तो मन से महारास में प्रवेश करना है तो सब गोपी बन करके, आप स्त्री हैं पुरुष हैं बाल वृद्ध हैं क्या है, इससे मतलब नहीं है, हृदय का भाव गोपी भाव बना लीजिए। भगवान शंकर भी गोपी बने हैं और सुंदर साड़ी पहन के भगवान शंकर हैं। जय हो बोल गोपीश्वर महादेव की, जय हो। के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो, पार्वती भी मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन संग शाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचो है हो, अरे रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर उस
रास में हंसी करेंगे हो हंसी करेंगे ब्रज की नारी मानो बात हमारे वृंदावन आ गए ओ वृंदावन आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन ऐसी बंसी हमारे कन्हैया ने बजाई कि भोले बाबा सब सुपुत्र भूल गए और क्या हुआ अरे सिर से कसक गई जब साड़ी सिर से कसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए ओ वृंदावन आ गए इस दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए घसक गई कन्हैया पहचान गए ओहो आज तो भोले बाबा गोपी बन के पधारे फिर तो कहा बाबा अब इसी रूप में वृंदावन में विराजना तो भोले बाबा गोपी भाव से विराज रहे हैं और अब तो श्याम सुंदर ने मधुर बंसी की तान छेड़ी है और अद्भुत महारास प्रारंभ हो गया है में देखो वृंदावन में
सभी पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया रास 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 महाराज रचो है।
रचो है, महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, हरे भगवान के। आयो